केंद्र सरकार के द्वारा 5 जुलाई को पहला बजट पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार के इस बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं। हमीरपुर में कुछ वर्ग के लोगों से जानिए उनकी बजट को लेकर उम्मीदें। और लड़कियों के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। आजकल लड़कियां हर जगह सेफ नहीं होती, जैसे बसेस में वगैरह आजकल हो गया ओवरलोड बसेस हो गई हैं, तो जैसे लड़कियों को सेफ रखा जाना चाहिए। ये ओवरलोड की जो समस्या है ये जल्दी से जल्द मतलब खत्म होनी चाहिए ताकि लड़कियां मतलब सेफ रहें। 2019 के इस बजट में मोदी सरकार से ये चाहूंगी कि इसमें आजकल जो है वो जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो गरीबी रेखा से और नीचे चले जा रहे हैं। सो उनको अपने बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो गरीब लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले और जो अमीर लोग हैं उनको भी ठीक अवसर मिले। सो और आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको सही ढंग से उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। सो उन्हें उसके अकॉर्डिंग जॉब्स निकलवाई जाए ताकि उन्हें सही अवसर प्राप्त हो सके से रिलेटेड। और क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेडिकल लाइन के लिए जो मेडिकल सर्विसेज है, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है, वो बहुत ही इस टाइम बहुत ही देखने को मिल रहा है कि अच्छी नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो हमारा भारत हो, इंडिया हो, वो स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में आगे जाए। और आप कहीं भी जा रहे हो देख रहे हैं कि जो मेडिकल में जो भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो भी डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी पैथी के क्यों ना हो, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अच्छी हो सके। सभी को एक साथ चल के चलना चाहिए, क्योंकि जो मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, जो हमारे आयुर्वेदा में जो डॉक्टर नीतीश पॉल शर्मा है वो इसके लिए यही काम कर रहे हैं। जो भी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो भी निकल रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो भी पोस्ट आ रही है, जो भी रोजगार जिन्होंने मेडिकल में डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उनको सेवाओं का मौका देना चाहिए। एक तो होता है कि चलो ठीक है, वहाँ पोस्ट भरी पड़ी है तो हर एक सेवाएं मिल रही है, लोगों को वैसे भी सेवाएं बहुत ही कम मिल रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार स्पेशली हेल्थ सर्विस की तरफ अपना ध्यान दे। थैंक यू। हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है आज़ादी के बाद, फिर भी मुझे लगता है कि हमारी महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित नहीं है आज के दौर में। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई रेप की घटनाएं, लड़कियां जो हम अपनी बेटियों को घर से बाहर आज़ादी से नहीं भेज सकते, बेटी को भेजा है 2 घंटे लेट आती है तो हमें उसकी चिंता होती है कि पता नहीं उसके साथ कौन सी अनहोनी हो गई है। दूसरा मुद्दा ये है कि आजकल बसों में ओवरलोडिंग में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को करनी पड़ रही है, लड़कियों को करनी पड़ रही है। बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हम लोग सुबह से लेकर शाम, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, शाम को घर वापस जाते हैं, तो हमें इवन की बस ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बदतमीजी भी कर रहे हैं, धक्का लगाने पे वो लगा के हमें नीचे उतारते हैं कि लोकल सवारी ना बैठे। तो हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार महिलाओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो और उनके लिए मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कोई कड़े नियम बनाए। स्टूडेंट है तो हमारे लिए इतना होना चाहिए कि बजट ना हमारे लिए ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब इक्वली होना चाहिए कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह हो जाती है स्कूलों में उनके लिए भी मतलब इक्वल होना चाहिए बजट। गवर्नमेंट से खासकर मैं व्यापारी वर्ग से हूँ तो मुझे तो बहुत आशाएं हैं कि ये जो बजट आएगा वो व्यापारी हित में आएगा और जो हमारे GST में जो कमियाँ हैं उनको जल्दी दूर किया जाएगा और आम जो जनता है उनके लिए भी राहत भरा हो। तो मेरी तो सरकार से ही आशा है कि इस बजट में जो आम जनता के लिए लाभदायक योजना है वो जल्द आए इसमें। ये कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है तो बजट हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए सबके हित में है, ज्यादा भी ना लगे, क्योंकि गरीब यहाँ इस दुनिया में बहुत गरीब से गरीब लोग हैं तो वो भी अपनी उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके, उनको भी बजट ज्यादा ना लगे। जैसे कोई भी वो चीज खरीदते हैं तो वो भी सब खरीद पाए। तो हम मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि बजट सबके हित में हो और बजट इकोनॉमिकल सबके अच्छा होना चाहिए। थैंक यू।